देश भर में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान के आंदोलन का आज 23वां दिन है। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश में किसानों से बात करेंगे और हो सकता है कि वो कृषि बिल पर भी चर्चा करें। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को विधानसभा में कृषि कानून की प्रतियों को फाड़ दिया और इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने तंज कस दिया है। हरसिमरत कौर ने इसे घटिया नाटक करार दिया। गुरुवार को हरसिमरत ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार कृषि से जुड़े केंद्र सरकार के कानूनों में से एक को अधिसूचित करने वाली सरकारों में अव्वल थी। उधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को प्रदर्शनकारी किसानों के नाम एक पत्र लिखा। उन्होंने अपने पत्र को आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया। तोमर ने इस पत्र पर लिखा कि सभी किसान भाइयों और बहनों से मेरा आग्रह है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव सभी का हित करने का प्रयास किया है। विगत 6 वर्षों का इतिहास इस बात का साक्षी है। उधर कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन के समर्थन में आत्महत्या करने वाले संत बाबा राम सिंह का अंतिम संस्कार शुक्रवार यानी कि आज होगा। इससे पहले करनाल के सिंगरा में उनकी अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे। गुरुवार सुबह अकाली दल नेता सुखबीर बादल भी बाबा राम सिंह के गुरुद्वारे पहुंचे। उधर किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई, जहां कुछ अहम बातों पर चर्चा की गई। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसानों का हक है, कानून के खिलाफ प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, लेकिन इस प्रदर्शन में किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उधर कोर्ट ने यह भी कहा कि किसानों को अपने प्रदर्शन करने का तरीका जरूर बदल लेना चाहिए। पी साईनाथ ने एक सुझाव दिया कि हम विवाद को सुलझाने के लिए कमेटी बनाएंगे। कोर्ट ने सुझाव दिया कि कानून को फिलहाल लागू ना किया जाए और किसानों से बातचीत जारी की जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड पल पल की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।